इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मध्य प्रदेश के पर्वत पठार और श्रेणियों के बारे में, तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने जो मैप दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश का रॉ मैप है, यानी कि कह सकते हैं इसमें कुछ भी जानकारी नहीं है, मात्र मध्य प्रदेश का आपको मैप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक एज्यूम कर सकते हैं कोई भी अपने दिमाग में कि कहाँ पर कौन सा पठार है। तो हम यहाँ पर एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और मैप्स को अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए, मैप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये एक मैप यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये मध्य भारत का पठार है। तो ये एरिया ग्वालियर, चंबल, भिंड, मुरैना वाला एरिया आता है। इधर आपका बुंदेलखंड का पठार आता है और ये बुंदेलखंड का पठार आपका इस रीजन में भी फैला हुआ है। तो ये पूरा रीजन जो है ये बुंदेलखंड का पठार है, ये मध्य भारत का पठार यहाँ तक आता है और ये पूरा रीजन जो है ये मालवा का पठार है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा रीजन है ये मालवा का पठार है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फैली हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो आपको इस रीजन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्वत श्रेणी है ये इस तरीके से यहाँ से शुरू होके और इस तरफ की ओर गई है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी इस तरह से बनी हुई है। इधर हम बात करें तो ये पठार, ये पठार और ये पठार और ये पठार और ये भी पूरा पठार। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे तो ये पठार का पूरा रीजन आपको यहाँ तक मिलेगा। और ये तो अगर मध्य भारत के पठार से आप शुरू करेंगे तो मध्य भारत का पठार यहाँ पर आपको बुंदेलखंड दिखेगा, यहाँ पर आपको रीवा और पन्ना का पठार दिखेगा, यहाँ पर आपको बघेलखंड का पठार दिखेगा। तो ये जो रीजन है ये बघेलखंड का पठार है। फिर यहाँ जो आप इस तरफ को आएंगे तो आपको ये मालवा का पठार यहाँ पर दिखेगा और दो पर्वत श्रेणियाँ आपको यहाँ पर दिखेंगी और इसके बीच में यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। तो ये नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र आ जाता है, ये आप देख सकते हैं पूरा ये नर्मदा सोन घाटी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर आप कह सकते हैं ये नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। और ये जो रीजन है ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का है, यहाँ पर मैकल पर्वत श्रेणी है और यहाँ पर आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आती है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो श्रेणी है ये मैकल श्रेणी है, ये आपकी महादेव और ये आपकी ग्वालीगढ़ और ये राजपीपला, ध्यान रखिएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये मैकल पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा रीजन आपका जो मैकल पर्वत श्रेणी का है और ये आपका जो है महादेव पर्वत श्रेणी, यहाँ पर आपका ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी और यहाँ पर आपका राजपीपला पर्वत श्रेणी है। तो एक बार आप इस मैप को बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, इस मैप की मदद से ही आप आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पर्वतों की आप बात करें तो आप पर्वत श्रृंखला अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रेणी को आप याद रखिएगा कि ये इस तरीके से आप उल्टा एल समझ लीजिएगा और एल का जो नीचे वाला भाग है वो बड़ा है, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। इधर आपकी अरावली आ जाती है और इधर आपकी विंध्याचल आ जाती है, इसके बीच में मालवा का पठार आता है और इसके जो मालवा के पठार के सामने रीवा पन्ना का पठार है, ऊपर मध्य भारत का और बुंदेलखंड का पठार है, साइड में बुंदेलखंड का पठार है, नीचे नर्मदा सोन घाटी है, नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और इस साइड बघेलखंड का पठार है। ये चीज़ें आपको याद रखना है, मैकल, ग्वारीघाट, महादेव और ये राजपीपला पर्वत श्रेणियाँ भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं और बात दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मध्य भारत का जो पठार है ये रीजन हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए मध्य भारत का पठार। तो इस रीजन का जो क्षेत्रफल है वो 32,896 वर्ग किलोमीटर है, 10.68% है टोटल MP के क्षेत्रफल का अगर बात करें। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मध्य भारत का पठार है और ये पूरा रीजन जो है ये 10.68% जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का है, ये मध्य भारत का पठार है ना। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। और इधर आ जाते हैं हम बुंदेलखंड का पठार, ये 7.7% है टोटल प्रदेश का, ये भी ये रीजन और ये रीजन ये बुंदेलखंड का पठार है। तो ये ध्यान रखिएगा ये जो है ये 7.7% है टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, ये 7.7% है। फिर आ जाते हैं इधर नीचे, ये रीवा पन्ना का पठार है, ये 10.37% है, कितना है ये 10.37% है, 3,454.8 वर्ग किलोमीटर।
तो ये जो है 10.37% रीपा पन्ना का पठार, ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते हैं बघेलखंड का पठार, आप देख सकते हैं ये 7% है, तो ये भी ध्यान रखिएगा बघेलखंड का पठार, ये 7% ओनली। नीचे आ जाते हैं सतपुड़ा मैकल पर्वत प्रदेश, ये 11% है। याद रखिए बघेलखंड के पठार को दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे छोटा पठार, क्वेश्चन आ सकता है सबसे छोटा पठार, तो ये आपका हुआ बघेलखंड का पठार, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ा पठार जो है वो कौन सा है, मालवा का पठार, ये ध्यान रखिएगा, ये है मालवा का पठार, सबसे बड़ा पठार है। और इसका जो 28% क्षेत्रफल कवर करता है, 28% इसका पूरा रीजन है, और इसमें आप 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, तो ये ध्यान रखिएगा। और सिगार इसकी जो चोटी है, इसकी जो चोटी है वो सबसे ऊंची, वो सिगार है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिगार जो है सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान रखिएगा। और इधर आप नर्मदा घाटी बेसिन जो कि 86,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये भी 26% भाग को कवर करता है, ध्यान रखिएगा। 28% भाग को मालवा का पठार कवर करता है, ये देखिए ये 28% को कवर करता है, ये 26% को कवर करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो और यहाँ पर हमने बघेलखंड की बात की, सबसे छोटा पठार है, सबसे बड़ा मालवा का है। फिर आ जाते हैं नीचे सतपुड़ा मैकल, ये 34,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है, और ये 11% भाग कवर करता है। तो ये देखिए सतपुड़ा मैकल 34,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आता है ना, 11% भाग को कवर करता है, ये भी आपको यहाँ पर इसमें ध्यान रखना है। तो ओवरऑल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो ये मध्य भारत का पठार आपको ध्यान रखना है 10.68%। इधर आ जाते हैं बुंदेलखंड, तो ये बुंदेलखंड आ गया। रीवा पन्ना आपको याद रखना है 10.37%, इसकी छोटी सिगार है सबसे ऊँची। ये मालवा का पठार आपको याद रखना है 28%, 26% नर्मदा बेसिन, नर्मदा घाटी, और सतपुड़ा मैकल अगर 11% है। इधर बात करें बघेलखंड का तो 7% है, सबसे छोटा है बघेलखंड, और ये रीवा पन्ना का 10.37% है। अब एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने में लेके आता हूँ, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? विंध्याचल एवं पूर्वी घाट, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट, विंध्याचल एवं अरावली, विंध्याचल एवं सतपुड़ा। तो नर्मदा घाटी किन श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो यहाँ पर आ जाते हैं, ये है नर्मदा सोन घाटी किन श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? तो इधर ये सतपुड़ा, इधर है विंध्याचल, तो यहाँ देख लेते हैं हम आंसर। तो विंध्याचल एवं सतपुड़ा, डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। तो अभी आप लोग इस रॉ मैप पे अपने हिसाब से सोचिएगा, इस मैप को ध्यान करके याद कीजिएगा आपके कहाँ पर कौन सा पठार है, कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है। मुझे उम्मीद है कि आपने सभी को एक बार फिर से इसी रॉ मैप के ऊपर अज्यूम कर लिया है, डिज़ाइन अपने दिमाग में बना लिया है। अगर बिल्कुल है ऐसी बात है तो कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।